गणपति बाप्पा मोरिया। आज गणेश चतुर्थी का दिन, गणपति बाप्पा के स्थापना का दिन। कोरोना महामारी के चलने के बावजूद गणपति के भक्तों में कोई श्रद्धा की कमी नहीं है। आप देख सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से कि जो हर वर्ष अपने घर पर गणपति की स्थापना करते थे, वो इस वर्ष भी अपने गणपति बाप्पा को अपने घर में विराजित कर रहे हैं और उनको आशा है कि गणपति बाप्पा ही कोरोना को भगाने में हमारी मदद करेंगे। आप देख रहे हैं हमारे वीडियो के माध्यम से कि किस प्रकार ये भक्त अपने घर पर गणपति को विराजित करेंगे और कोरोना को भगाने के लिए उनसे पूजा अर्चना करेंगे। सर, आप हर वर्ष गणपति की स्थापना करते हैं? यस, हर वर्ष करता हूँ। सर, आपको विश्वास है कि कोरोना को भगाने में गणपति बाप्पा सहायक होंगे? हाँ हाँ, होंगे ही ना, जो भक्ति रहेंगे अपने में तो हमेशा हो ही सकता है। कितने दिन के गणपति बिठाते आप? 11 दिन का। इस वर्ष भी 11 दिन ही बिठाएंगे? 11 दिन का ही बिठाऊंगा। तो देखा आपने, लोगों में श्रद्धा की कोई कमी नहीं है। जिस प्रकार हर वर्ष 11 दिन बिठाते हैं, उसी प्रकार 11 दिन की स्थापना करके कोरोना को भगाने के लिए गणपति बापा से पूजा अर्चना करेंगे। हमारे साथ और भी गणपति भक्त आए, उनसे बात करते हैं। सर, आप कितने साल से बिठाते गणपति? 10 साल से। कितने दिन के लिए बिठाते सर? 1.5 दिन का। 1.5 दिन का। आपका विश्वास है सर गणपति बापा कोरोना के भगाने में मदद करेंगे? जरूर, हमारी तो आस्था है। हमारे भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारे संकट दूर करे। पूरे भारतवर्ष के लिए ये संकट हमारा दूर होना चाहिए, यही हमारी दुआ है। धन्यवाद। मैडम, आप कितने साल से गणपति की स्थापना करते हैं घर पर? 12 साल हो गए। कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए। 7 दिन के लिए? हर वर्ष 7 दिन, इस वर्ष भी 7 दिन? हाँ, घर पे है ना, इसीलिए 7 दिन। आप गणपति बापा से कोरोना के लिए क्या प्रार्थना करेंगे? यही कि अभी जो ये संकट इतने लोगों पे आया है, वो जल्दी से जल्दी निकल जाए और सबके लिए सब अच्छे से हो जाए। देखा आपने किस तरह विघ्न हर्ता से सभी लोग प्रार्थना करेंगे कि कोरोना संक्रमण को जल्दी से जल्दी निपटाया जावे। धन्यवाद। दिलीप कावरिया, वसई विराज समाचार।